फटके मटके झटके मारे हैं, तू आज शोला तो हम भी फुवारे हैं। Very, 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 very successful singer. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अमन त्रिका हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमन, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आपका एक लाइफ थी रिकॉग्निशन से पहले, जब आप सिंगर नहीं थे, एक इंजीनियर स्टूडेंट थे, और अब आप एक सिंगर बन गए हैं, तो कितना डिफरेंस आपको लगता है कि आपकी लाइफ में आया है, और कितना महसूस करते हैं डिफरेंस, उस डिफरेंस को? देखिए, पर्सनल लाइफ में तो वही एक चीज़ है कि लोग पहचानने लग गए हैं, और जितने रिलेटिव्स थे जो पहले समझते थे कि शायद पता नहीं क्या होगा या नहीं होगा, सिंगिंग कर रहा हूँ और इतनी मेहनत कर रहा हूँ, गाने की ट्राई कर रहा हूँ, कुछ करियर में वो तब्दील हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो उनकी तरफ से एक अलग सा रिएक्शन आता है अब कि मतलब हाँ, अभी अभी वो बोलते हैं कि हाँ अमन हमारा ये है हमारा हमारा रिलेटिव है, तो लोग फिर जब आपको ऐसे एक्सेप्ट करने लग जाते हैं तो अच्छा लगता है। और जितने यार दोस्त थे जिन लोगों ने मुझ में बिलीव किया था, उन लोगों को तो हमेशा से था, और वो लोग बोलते थे कि एक ना एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा, और वो लोग आज भी हैं साथ में। जो लोग नहीं समझते थे वो लोग भी कांटेक्ट करना चाहते हैं, अरे कहाँ है यार, चल मिलते हैं कभी, कुछ करते हैं। तो यही सारी चीज़ें होती हैं जो आपको बताती हैं कि रियल में कौन आपके साथ हैं और कौन नहीं है, क्योंकि जितना आपके अच्छे टाइम में सब लोग रहना चाहते हैं साथ में, और जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हो, पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट है, आप लहर के, आप बहाव, पानी के बहाव के अगेंस्ट जा रहे हो जब, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बहुत सारी कठिनाइयाँ जी है ज़िंदगी भर की आती हैं साथ में, तो उस टाइम पे आपका साथ और आप में कौन बिलीव रखता है बहुत ज़रूरी है। और प्रोफेशनली तो ऑब्वियसली पढ़ाई है, जिन लोगों को, जिन म्यूज़िक के जानने वालों को, जानकारों को जितना मैं पहले जानता था, उनको अमन त्रिखा जो एक स्ट्रगलिंग सिंगर है, जो स्ट्रगल कर रहा था, उस अमन त्रिखा से अब ये अमन त्रिखा जिसने इतने सारे गाने गाए हैं, उस तरीके से जानने लग गए हैं लोग, तो और जब अप्रिशिएट भी करते हैं जो लोग पहले जानते थे, और पहले से अब जब जानते हैं तो जब उनको पता चलती है ये सब चीज़ें हुई हैं, तो वो काफ़ी खुश भी हैं उनके। बहुत से लोग ऐसे बताते हैं, नहीं यार ये नहीं कर पाएगा यार, सिंगिंग इसके बस की बात नहीं है, डीमोरलाइज किया होगा आपको लोगों ने, तो क्या कभी महसूस किया कि नहीं यार अब इतना स्ट्रगल कर लिया, इतना टाइम दे दिया, नहीं अब मतलब कभी हार मानी आपने? नहीं, कभी ऐसा हुआ नहीं यार चलो दोबारा इंजीनियरिंग स्टूडेंट इंजीनियरिंग चालू करते हैं? नहीं, मतलब दोबारा इंजीनियरिंग शुरू करने की तो वो थॉट नहीं आया था, बट हाँ बहुत रिजेक्शंस और बहुत डिसअपॉइंटमेंट्स होती थी। मैं तो लाइक सुरक्षेत्र से पहले भी काफ़ी रियलिटी शोज़ में मैंने ऑडिशंस दिए थे, बट मैं वहाँ पे फर्स्ट राउंड में रिजेक्ट होता था, तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती थी कि मैं गलत गा रहा हूँ या मैं इतना गंदा गा रहा हूँ, और मैं घर पर आके रोता था बहुत, और बहुत तब महसूस होता था कि क्या मतलब, मैं पूछता था फ्रस्ट्रेशन में कि मैंने क्या गलत क्या किया है मैंने, क्योंकि जितने लोगों ने एवरेज गाया था मेरे से वो लोग आगे जाते थे, तो मैं हमेशा ये सोचता था कि जब अब बात कंपैरिजन की आई है तो कंपैरिजन हो ही जाए, अगर उन लोगों ने क्या गाया है भैया ऐसा कि जो मतलब तुम उसको लेके जा रहे हो या तुम उनको आगे लेके जा रहे हो, ठीक है तुम्हारी पहचान भी हो सकती है, बहुत बड़ी मायने रखती है पहचान आज के ज़माने में, कई बार टैलेंट से आगे उसको देखा जाता है, बट वो चीज़ ज़्यादा देर टिकती नहीं है, अगर आप में टैलेंट नहीं है, आप हज़ारों पहचान लगा लो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उससे, बट वो जब वो लम्हा जब आता था तो बहुत बहुत दुख होता था, बहुत जो है दिल पसीज उठता था कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि जब इतनी मेहनत है, इतनी लगन है, इतना सच्चाई, इतनी सच्चाई है चीज़, और किसी के लिए बुरा नहीं सोचता हूँ मैं, सबका अच्छा हो जो भी अच्छा काम कर रहा है, तो बहुत दफ़े, काफ़ी दफ़े ऐसे हुआ कि जब ऐसा लगे कि यार अब अगर ऐसा ही है, यही सब है, तो कहाँ पे कौन कौन है जो जो सही में सच में पहचानेगा, सच में मुझे परखेगा और मुझे मुझे एक चांस देगा, क्योंकि यहाँ पे एक चांस अगर आप आपको मिलता है, आप उसको पकड़ना कैसे समझते हो ठीक, वो ज़्यादा ज़रूरी होता है, और आप उसको पकड़ोगे और उसके बाद क्या करोगे वो भी बहुत ज़रूरी होता है। बॉलीवुड की बात की जा रही है, कौन सा
सिंगर आपका फेवरेट है, किसकी आवाज़ सुनना आपको काफ़ी पसंद है? सर बहुत सारे सिंगर्स हैं और सारे सिंगर्स की अपनी अलग अलग खासियत है, तो मैं सारे सिंगर्स को फॉलो या उनको एडमायर करता हूँ, या उनकी जो सिंगिंग टेक्निक्स हैं और जैसे जिस तरीके से वो अपनी बात रखते हैं गाने में, वो चीज़ से काफ़ी मैं वास्ता रखता हूँ। और भले ही वो रफ़ी साहब हों पुराने ज़माने के, या किशोर दा हों, मन्ना दा हों, या मुकेश जी हों, क्योंकि हर एक गाने, हर एक सिंगर का अपना अपना एक कलर था, एक अपना एक अलग अलग सा एक ओज था, एक तेज था, और उस उसी चीज़ को मैं अपनी अपनी सिंगिंग में भी ढालने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इतने बड़े बड़े दिग्गजों का अगर आप 1% भी अपने अंदर संभालो तो आपकी जो है ज़िंदगी पूरी जो है तर जाएगी। अमन, अपने पैपी सॉन्ग से अगर बाहर निकल के एक जॉनर में गाना गाना चाहते हैं, हाँ जी, तो कौन सा गाएंगे? कौन सा फेवरेट है आपका जॉनर से बाहर निकल के? गज़ल्स की बात की जाए या सूफी की बात की जाए? बहुत गज़ल्स की जहाँ बात आई है तो मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को कि जगजीत जी, ही इज़ लाइक वन ऑफ माई फेवरेट आर्टिस्ट, और जगजीत जी की अभी सालगिरह थी, 8 फरवरी को आती है, तो चित्रा जी जो उनकी वाइफ हैं उन्होंने मुझे कॉल किया था और वो चाहती थी कि उनकी जो याद में प्रोग्राम रख रहे थे, फंक्शन होने वाला था, तो उसमें मैं शामिल हूँ और उसमें जगजीत जी की कुछ गज़लें गाऊँ। तो बहुत मतलब वन ऑफ द मोस्ट प्राउड मोमेंट्स इट वॉज फॉर मी कि चित्रा जी मुझे कॉल करके बोले कि बेटा तुम, मैं चाहती हूँ कि तुम जगजीत जी की कुछ गज़लें गाओ, और मैंने शुरुआत की थी उस प्रोग्राम की उस टाइम पे, तो मैंने बहुत गज़लों का मेरा जो नाता है बहुत पुराना, क्योंकि मम्मी और पापा दोनों ही गज़लों के बहुत बहुत बड़े शौकीन हैं, और उन्होंने जितना म्यूज़िक सुना होगा गज़लों का शायद ही किसी ने सुना हो, मेहंदी हसन खान साहब, जगजीत जी, गुलाम अली साहब, तो गज़लें हों या सूफ़ी गायकी हो, सूफ़ी सॉन्ग हो या सैड सॉन्ग हो या रोमांटिक सॉन्ग्स हो, सोनू जी जिसमें इतने माहिर हैं, और रॉक सॉन्ग्स हो, क्योंकि घूम फिर के बात वही आ जाती है, जैसे सुरक्षेत्र में मैंने सारे टाइप के आरे करे के एक एक जॉनर के गाने रखे थे सामने, तो मेरा वही उद्देश्य है कि मैं जितने ज़्यादा गाने गा सकूँ, क्योंकि हर एक गाना मेरे लिए एक चैलेंज है, हर एक गाना एक उतना ही नया है जितना पुराने वाला था या जितना कोई और गाना है, तो किसी भी गाने को मैं कम नहीं आंकता हूँ, या किसी भी, अगर समझो आप कोई नया म्यूज़िक कंपोज़र है तो मैं उसके लिए ये नहीं कहूँगा यार ये नया है यार, तो कम थोड़ी मेहनत लगा लो, चलो कैसे भी करके गाना ख़त्म करो और अपना काम आगे बढ़ाओ, तो ऐसा नहीं, हर एक गाने को उतनी ही तवज्जो, उतनी ही स्पेशलिटी जब तक आप नहीं दोगे तो तब तक आपको, आप जस्टिस नहीं दे पाओगे गाने को, तो फिर वो गाना निखरेगा नहीं जितना निकलना चाहिए। हम अपने ऑडियंस को बता दें कि जो अमंत्रिका को गज़ल अभी तक सुन नहीं पाए हैं, अमंत्रिका की गज़ल, वो आज आपके लिए गज़ल गाएंगे जगजीत सिंह की, उनकी फेवरेट। मैंने उनका एक बहुत पसंदीदा उनकी गज़ल थी, मैंने गाई थी, तेरे बारे में जब सोचा नहीं था, तेरे बारे में जब सोचा नहीं था, मैं तन्हा था मगर इतना नहीं था, मैं तन्हा था मगर इतना नहीं था, तेरे बारे में जब सोचा नहीं था, समंदर ने मुझे प्यासा ही रखा, समंदर ने मुझे प्यासा ही रखा, मैं जब सहरा में था प्यासा नहीं था, तेरे बारे में जब सोचा नहीं था। ऑन अ लाइटर नोट, प्रोग्राम एंड करने से पहले आपसे पूछना चाहेंगे कि आपको क्रिकेट का भी काफ़ी शौक है, क्या क्या शौक और हैं आपको, आप अपनी हॉबीज़ में क्या क्या इंक्लूड करते हैं जब खाली समय होता है? मैं ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद करता हूँ, जितने नई नई जगहों पे, जिस जगह का मुझे मालूम नहीं है या जिस जगह पे मैं कभी गया नहीं हूँ, वहाँ पे जाकर वहाँ की लोकल फूड एक्सप्लोर करना, वहाँ की लोकल साइट्स क्या हैं, वहाँ के लोग
कैसे बात करते हैं, क्या उनका रहने सहने का ढंग है, और बेसिकली जैसे खाना बदोश ही होती ना, तो वैसे आप समझ सकते हैं कि आप मतलब अपना बस्ता लिया और चल दिए कहीं पे भी, आप बोलो चलो सर तो चल पड़ेंगे कभी भी, तो वैसा एक मैं एटीट्यूड, एडवेंचरस काफ़ी हूँ मैं, एडवेंचर करने में काफ़ी बिलीव रखता हूँ। अक्षय सलमान के बाद अमन किसको चाहते कि उसको अमन की आवाज़ उस बॉलीवुड एक्टर को मिले? मैं रणबीर कपूर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और रणबीर इनफैक्ट मैंने रॉकस्टार के जब रिलीज़ हुई थी, रॉकस्टार का प्रमोशन हो रहा था, तो दिल्ली में ही गुड़गांव में इम्तियाज़ अली डायरेक्टर जो हैं, नरगिस एक्ट्रेस, और खुद रणबीर मौजूद थे, और मैंने रॉकस्टार के काफ़ी गाने गाए थे, तो कुन फाया कुन से गाते हुए मैं साडा हक पे आया था, और साडा हक जब मैंने एंड किया था, बीच में ही खड़े हो गए रणबीर, और बीच में ही वॉज लाइक ही गेव मी अ स्टैंडिंग ओवेशन, और क्राउड 3-4 हज़ार का क्राउड था मॉल में, और मतलब सिर और स्टेज पे आए वो, मुझे उन्होंने गले लगाया और बोला यार साले असली रॉक स्टार तो तू है, मैंने तो फिल्म में ऐसी शोबाजी की है, तो मैं वो एक कॉम्प्लीमेंट था जो बहुत अच्छा लगा मुझे, और काफ़ी ज़िंदा दिल इंसान है, बहुत फ्रेंडली है, और अपने दिल की बात कहने में झिझकते नहीं है, तो ये सब एटीट्यूड जो है उनका बहुत पसंद है, और सुर क्षेत्र में भी मैंने सारे रॉकस्टार के गाने गाए थे, और मुझे रॉकस्टार के नाम से ही जाना जाता था उधर, और इतना कि हिमेश जी खुद बोलते थे कि तू सिर्फ रहमान साहब के ही गाने गा, रहमान साहब के गाने जैसे तू गाता है ना, वैसे किसी को मैंने आज तक देखा नहीं है गाते हुए लाइव, क्योंकि लाइव गाना रहमान साहब के गाने इट्स वेरी 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 टफ। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन कौन से अमन के अब पाइपलाइन में जो है? अभी हाल ही में शॉर्टकट रोमियो आप सब ने सुना होगा, नीलेतन मुकेश की फिल्म थी, उसका टाइटल सॉन्ग था मेरा, और वो भी काफ़ी सराहा गया, काफ़ी लोगों को पसंद आया, अलग टाइप का गाना था, और काफ़ी टाइम बाद आपको 70-80 के दशक के जो गाने थे किशोरदा के, वैसा एक रंग उसमें देखने को मिला और सुनने को मिला। उसके बाद अभी पुलिसगिरी आ रही है संजू बाबा की, जो 5 जुलाई को मूवी रिलीज हो रही है, तो उसमें दो गाने मेरे, एक टाइटल सॉन्ग और एक सॉन्ग का है झूम बराबर झूम है इश्क कृष्ण की लीला, तो दोनों ही गाने बहुत बहुत अच्छे तरीके से लोगों को पसंद आ रहे हैं, लोग जो हैं वो काफ़ी एक्साइटेड हैं कि वो फिल्म में जब ये गाने देखेंगे तो कैसे होंगे। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अमन, फिलहाल आज के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे लेकर एक और स्टार जो करेगा आपसे दिल की बात, धन्यवाद। हटके मटके झटके मारे हैं तू आज शोला तो हम भी फुवारे। वेरी 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 सक्सेसफुल सिंगर स्ट्रीट।